मूर्तियां जो हैं अगर तोड़ी जा रही हैं तो ये जो है वास्तव में उस महान पुरुष के गौरव की बात है, क्योंकि मूर्तियां जो हैं किसी भी आम व्यक्ति की नहीं तोड़ी जाएगी, किसी की भी लगा दो आप जो है तो कोई देखने में का संदेश देती है या जो सरकारें वर्तमान में होती है इन मूर्तियों को लगवाने का काम करती है उनके पीछे क्या मंशा होती है। तो ये अपने आप में यह संदेश दे रही है इस देश के लोगों को कि आप जो है अब कम से कम जो है जाति पाति से ऊपर उठ जाओ और देश की जो प्रतिभाएं हैं, देश का जो गौरव है उसे समझो। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों आप देख रहे हैं NBNEWS 24x7 नीलम बोध के साथ और आज हम पहुंचे हैं शिमला में और यह है चौड़ा मैदान अंबेडकर चौक और इस चौक पर परम पूज्य बाबा साहब की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि उसका गोल्डन कलर है और मैं इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि इस प्रतिमा का अनावरण यहाँ के महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के श्री बलिराम भगत जी ने किया था और यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने आते हैं और अभी यहाँ पर जो मौसम है बहुत ही खुशनुमा है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। हम जानना चाहेंगे यहाँ पर कुछ लोग भी घूमने आए हैं उनसे, यहाँ पर इस चौक पर परम पूज्य बाबा साहब की जो स्टैचू लगी हुई है इस तरह की स्टैचू को देखते हुए भारत लोग के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ये जो चौक है अंबेडकर चौक के नाम से मशहूर है और ये जो ऐसी प्राइम लोकेशन पर है ये जगह जो है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर टीवी टावर है यानी कि दूरदर्शन केंद्र भी है शिमला का और हिमाचल स्टेट का म्यूजियम भी है यहाँ पर जी। और ऐसी प्राइम लोकेशन पर ये मूर्ति स्थित है और इसको ये पूरे शिमला मशहूर है कि चौड़ा मैदान, चौड़ा मैदान जब शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत खुली जगह होगी और वास्तव में खुली जगह है। यहाँ पर पार्किंग के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ मर्जी गाड़ी खड़ी कर दो आप जो जहाँ आपको जगह दिखाई देती हो और वहाँ से आप जो है यहाँ जो शिमला का जो ये जो हिमाचल स्टेट म्यूजियम है यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और जो भी जगह यहाँ पर हैं बहुत सी जगह। अभी हम ऊपर गए थे म्यूजियम में जो है तो बहुत अच्छी मनमोहक वहाँ पे जो है जगह है और जो परम पूज्य बाबा डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जो यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पर जब मैं पढ़ता हूँ बाबा साहेब के बारे में जो है तो मैं ये भी पढ़ता हूँ कि यहाँ पर एक समय ऐसा था अंग्रेज़ों के समय में कि दो राजधानियाँ हुआ करती थी, सर्दी की राजधानी अलग थी और गर्मी की राजधानी अलग थी। तो गर्मियों में जो है अंग्रेज़ों की जो राजधानी थी वो शिमला शिफ्ट होया करती थी, तो क्योंकि जो अंग्रेज़ों की जो सरकार थी उसमें परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसमें प्रतिनिधित्व करते थे देश का जो है और उसमें जो है उनका यहाँ पर आना जाना लगातार रहता था। तो उसमें हम पढ़ते भी हैं, कई संदर्भ आते हैं पढ़ने में जो है और यहाँ पर अगर परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर स्टैचू लगी है तो ये अपने आप में यह संदेश दे रही है इस देश के लोगों को कि आप जो है अब कम से कम जो है जाति पाति से ऊपर उठ जाओ और देश की जो प्रतिभाएं हैं, देश का जो गौरव है उसको समझने का प्रयास करो। और अगर इस देश के लोग परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समझने का प्रयास करते हैं, उनकी प्रतिभा को जानने का प्रयास करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि यह देश तरक्की करने से कहीं भी वंचित नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। यह देश जो है पूरी दुनिया में महाशक्ति बनकर ही उभरेगा, उसे कोई रोकने वाला पैदा नहीं होगा, क्योंकि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो त्याग समर्पण बलिदान इस देश के लिए है वो अविस्मरणीय है और अद्वितीय है। ऐसा और कहीं हमें जो है त्याग समर्पण जो है नहीं देखने को मिलता है कि इतनी कठिन परिस्थितियों में, इतनी कठिन सामाजिक परिस्थितियों में, विषम सामाजिक परिस्थितियों में उन्होंने अपना सामाजिक आंदोलन खड़ा किया और अपने लिए कभी नहीं लड़े। हम ये देखते हैं कि पूरे जीवन भर जो है वो बचपन से उनको जो है प्रताड़ना मिली जातिगत जो है, लेकिन उन्होंने अपने लिए कभी भी प्रतिकार नहीं किया, अपने लिए कोई बदलाव की भावना लेकर नहीं आए। और जब तक वो संविधान का निर्माण करते हैं देश के लिए तो संविधान के माध्यम से भी हमें जान पाते हैं कि संविधान में भी कहीं प्रतिकार नहीं है, कहीं किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है। इस देश के लोगों के लिए और इस देश में जो परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उसमें एक अनुकूल संविधान इस देश के लोगों को प्रदान किया है ताकि वे सभी मिलजुल कर अपना सर्वांगीण विकास कर सकें और इस देश की तरक्की में अपना सहयोग प्रदान कर सकें जी। लेकिन आज हम देखते हैं कि जब बाबा साहब को स्कूलों में पढ़ाया जाता है, पहली बात तो पढ़ाया नहीं जाता, अगर पढ़ाया जाता है तो पर्टिकुलर उसमें सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि जो संविधान सभा की जो कमेटी बनी थी उसके मात्र अध्यक्ष रहे हैं और इस देश का संविधान लिखने का काम वो की पूरी कमेटी ने किया, पर्टिकुलर श्रेय उसमें भी बाबा साहब को नहीं जाता। लेकिन अगर हम भारत के इतिहास में इनका योगदान उठाकर देखें तो वो बहुत बड़ा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? और कुछ देखिए ऐसा है कि अभी हम देख रहे हैं कि आज भाजपा की सरकार है देश में और उसका दूसरा कार्यकाल, फुल फ्लैज कार्यकाल शुरू हुआ है, काफ़ी टाइम भी हो गया, एक दो साल बीत गए हैं उसको। और जब से ये भाजपा की सरकार आई है तब से नेहरू और गांधी जो है पाठ्यक्रम से लुप्त प्राय होने लगे हैं और अब जो है पटेल आने लगे हैं, क्योंकि हर एक संगठन कह लो या फिर पार्टी राजनीतिक दल जो है उसको एक मसीहा चाहिए, उसको एक महापुरुष चाहिए
जिसका आदर्श प्रस्तुत करके लोगों के सामने वो जो है उनसे वोट मांग सके, या उनके आधार पर लोगों को जो है एक तरफ जो है वो इकट्ठा करके और उसको वोट में तब्दील कर सके। अभी तक परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी और पार्टी ने वो तवज्जो नहीं दी है जो उनको मिलनी चाहिए। जब इस सरकार ने सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई थी, तब मैंने यह प्रश्न किया था इस सरकार से अपने फेसबुक के माध्यम से कि मुझे पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने का जो संदर्भ है वो समझ में नहीं आता है। हालांकि सबसे ऊंची प्रतिमा लगा दिया उससे पटेल ऊंचे नहीं हो गए हैं, लेकिन पटेल ने परम पूज्य बाबा डॉक्टर अम्बेडकर के मार्ग में कितने अवरोध प्रस्तुत किए, कितने अवरोध लगाए, उनको हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम सरदार पटेल का व्यक्तित्व जो है और बाबा साहेब के व्यक्तित्व सामने रखें, तो मैं ये पाता हूँ कि सरदार पटेल इस देश में एक राष्ट्र छवि रखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन परम पूज्य बाबा डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय छवि रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व रखते हैं। अभी आपने जैसे कि स्टैचू की बात करी और सरदार पटेल के स्टैचू की बात करी, हम देखते हैं कि आज भारत देश में जितने भी इस देश के नेता रहे या समाज सुधारक रहे, उनके हम बहुत बड़े स्तर पर प्रतिमाएं लगे देखते हैं। और अभी पिछले दिनों हमने देखा उत्तर प्रदेश में जो परम पूज्य बाबा साहब है उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा है, उसका अनावरण किया गया है। तो ये प्रतिमाएं किस तरह का संदेश देती है, या जो सरकारें वर्तमान में होती है इन मूर्तियों को लगवाने का काम करती है, उनके पीछे क्या मंशा होती है इनकी? देखिए, हम जहाँ पर भी किसी भी नई जगह पर जाते हैं और वहाँ कुछ भी देखते हैं, तो जब हमारी आंखें देखती हैं तो जो चक्षु विज्ञान है वो एक प्रश्न पैदा करता है कि ये क्या है, तो उसके बारे में जानने की जो अभिलाषा है वो उत्पन्न होने लगती है। ऐसी जो मूर्तियाँ कहीं भी लगी हुई हैं तो सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि ये मूर्ति किसकी है जी? ये मूर्ति यहाँ क्यों लगाई है, किसने लगाई है, किस मंशा से लगाई है, क्या उद्देश्य है? जब व्यक्ति इन प्रश्नों के संदर्भ में जाता है, इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की तरफ बढ़ता है, तो उसको जो है उस महापुरुष का इतिहास विदित होता है। और जब उसको इतिहास के बारे में उसको जानकारी मिलती है उस महापुरुष के, तो वह उस इतिहास से, उसके इतिहास से जो है, उसके जीवन व्रत से जो है, अपने लिए एक प्रेरणा निकालता है। अपने लिए प्रेरणा निकाल कर और अगर कुछ मोटिवेशन, क्योंकि महापुरुष हैं, महापुरुषों ने अगर कुछ महान कार्य किए हैं तो निसंदेह वे जो है इतने उत्साह से भरे हुए थे कि उस उत्साह से भरकर उन्होंने हमारे लिए वो प्रेरणादायी कार्य किए हैं। तो यही बात है कि इस बात को हमें समझना चाहिए। और जो मूर्तियाँ लगी हैं, मूर्तियों का बड़ा महत्व है, और उन मूर्तियों के महत्व को समझते हुए विशेष तौर पर इस देश में जो बाबा साहेब की मूर्तियाँ आपको हर ज़िले में, हर गांव में मिल जाएगी, और उत्तर प्रदेश के हर एक गांव में तो विशेष तौर पर मिलेगी। और अभी हम पंजाब गए थे और पंजाब हमने देखा कि गांव-गांव में जो है अब साहेब कांसी राम जी की भी प्रतिमाएं लग रही हैं। तो ये सोचने वाली बातें हैं, और इस देश के लोगों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए कि आखिर वो क्या संदेश दे रहे हैं और हमारे जीवन में उनके लिए क्या लाभ है, ये जरूरी है जी। क्या आपको लगता नहीं है कि जो मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, अगर इनके साथ साथ में, देखिए मूर्तियां स्थापित करना अलग बात है, लेकिन जिस महान पुरुष की मूर्ति लगाई गई है उसकी आइडियोलॉजी को जन जन तक पहुंचाना ये अलग बात है। तो क्या लगता है कि जो सरकारें मूर्ति लगाती हैं उन महान पुरुषों की आइडियोलॉजी को जन जन तक पहुँचाने का काम करती हैं? देखिए, सरकारें जब मूर्तियाँ लगाती हैं तो उसके पीछे उनका राजनीतिक, उनकी महत्वाकांक्षा होती है, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जब मूर्तियाँ लगाते हैं तो उसके पीछे उनका उद्देश्य ये नहीं है कि इस मूर्ति के बारे में लोगों को बताना जी। उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जिस वर्ग से संबंधित ये मूर्ति है उस वर्ग के लोगों को संतोष प्रदान करना कि आपके लिए भी, आपके कल्याण के लिए भी, आपके समाज के लिए भी हम लोग जो हैं चिंतित हैं या कार्य कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए ये मूर्तियाँ लगाई जाती हैं अगर सरकारों के द्वारा लगाई जाती हैं तो। लेकिन जो मिशनरी लोग मूर्तियाँ लगाते हैं तो वे लोग ना केवल मूर्तियाँ लगाते हैं बल्कि जहाँ पर मूर्ति लगा रहे हैं वहाँ के आसपास के लोगों में जाकर जनजागरण का अभियान चलाते हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, बताते हैं उनको कि इस मूर्ति का महत्व क्या है और हमें अपने जीवन में इस मूर्ति से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारे लिए इस मूर्ति का जो हमारे जीवन में महत्व क्या है जी। हम अक्सर कई बार देखते हैं कि जो सरकारें होती है, खासकर यहाँ पर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगी, हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी मूर्तियां भी लगाई, लेकिन समय समय पर हमने ये भी देखा है कि आरएसएस के मार्फत बाबा साहब हो, या मैं ये कहूंगी कि जो बहुजन महान पुरुषों के संत रहे हैं उनकी मूर्तियों को तोड़वाने का भी काम किया जाता है। तो किस तरह से दोहरी मानसिकता अपनाते हैं, एक तरफ तो मूर्तियां लगवाते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं मूर्तियों को खंडित करने का काम करते हैं? देखिए, मूर्तियां जो हैं अगर तोड़ी जा रही हैं तो ये जो है वास्तव में उस महान पुरुष के गौरव की बात है, क्योंकि मूर्तियाँ जो हैं किसी भी आम व्यक्ति की नहीं तोड़ी जाएगी, किसी की भी लगा दो आप जो है तो कोई देखने भी जाएगा उसको। लेकिन अगर कोई मूर्ति तोड़ रहा है तो यानी कि वो मूर्ति बारे में जानता भी है, और जानता है तो
तो कहीं ना कहीं उसको जो है उससे टीस है, कहीं ना कहीं उसके अंदर घृणा है। अब उस घृणा को समझना है कि वो घृणा कैसी है, जातिगत घृणा है, धार्मिक आधार पर घृणा है या किस आधार पर घृणा है। और जब वो मूर्ति टूटेगी तो उसका जो है प्रचार भी होगा, प्रसार भी होगा, लोगों में जानकारी जाएगी। तो लोगों में जब जानकारी जाएगी, जैसे मीडिया में जब कोई बात जाती है, फेसबुक पर जाती है, तो लोग ये सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि आखिर ये मूर्ति तोड़ी क्यों गई है और किसकी मूर्ति तोड़ी गई है। और जब ये लोग जब ये सोचते हैं, जब सोचेंगे तो पढ़ेंगे भी, और पढ़ेंगे तो निसंदेह जो है जो महापुरुष का जो गौरव गाथा है उससे वो अभिभूत होंगे। जी सर, जैसा कि आपने बाबा साहब के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इस जो यहाँ पर ये स्टैचू लगी है बाबा साहब की, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला संदेश मैं ये देना चाहूँगा अपने लोगों को, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी सालों तक जो है कुल्लू मनाली गए हैं घूमने के लिए, शिमला भी कई बार आए हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी भी जो है इस तरह के स्थानों का जो है दर्शन नहीं किया, वहाँ पर नहीं आए हैं। और जब हम अपने स्थानों का दर्शन नहीं करेंगे तो वहाँ पर जो और लोग जो हैं वहाँ उसके बारे में क्या उसको देखेंगे और क्या सोचेंगे उसके बारे में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के लोगों को विशेष तौर पर, क्योंकि ये देश जो है जातिवाद में बटा हुआ देश है, तो एक वर्ग जो है, एक पार्टिकुलर वर्ग जो है, वो इन मूर्ति से घृणा भी करता है। तो संदेश तो उसके लिए भी है, अगर वो समतावादी भावना को अपने अंदर जो अभिभूत कर ले, अपने सुसात कर ले, तो उसके लिए भी संदेश है कि वो भी आए और विजिट करे और इस महान व्यक्ति से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को जो है समृद्ध बनाए। लेकिन जिस समाज का नेतृत्व इस महान व्यक्ति ने किया, उस समाज के व्यक्तियों को तो जब भी वो यहाँ पर घूमने आए तो उनका कर्तव्य बनता है, उनका फ़र्ज बनता है कि वो यहाँ आकर इस मूर्ति का विजिट ज़रूर करें, ताकि इस मूर्ति का जो सौंदर्यीकरण जो है लगातार बना रहे और ये कभी भी जो है छत विछत स्थिति में ना पहुँचे। और जब लोग विजिट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी देख रेख भी होगी, और जब किसी चीज़ को हम वैसे छोड़ देते हैं, उसकी विजिट नहीं करते हैं, तो उसकी हालत हमने देखी है कि बहुत बुरी हो जाती है। तो इस देश के लोगों के लिए संदेश है कि मूर्तियों से जो है प्रेरणा लें और विजिट लगातार करें उनका जो है, और जब विजिट करेंगे तो आप अपने भीतर जो है एक अमृतगढ़ को देखने का प्रयास करें। जी थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि अभी सर ने बताया कि जो भी लोग यहाँ पर हिमाचल में घूमने आए, खासकर यहाँ पर जरूर घूम कर जाए, क्योंकि साथियों इस तरह की जगह ऐतिहासिक जगह होती है और कोई ना कोई संदेश आपको देती है। तो ज़रूरत है आपको उन संदेशों को लेने की और उन संदेशों को मनोसात करके जन जन तक प्रचारित करने की। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NBNEWS 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुँच